नमस्कार दोस्तों, एडुपार्क की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2017 के करंट अफेयर्स के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बेसिकली इस सीरीज में 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा और ये उस सीरीज की पहली वीडियो है। इसमें हम पूरे 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको कल इसी चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी डेज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाज क्रिएटेड बाय फ्रेंचमैन फ्रांसिस गबार्ट। सो 42 डेज इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, 42 डेज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाज क्रिएटेड बाय फ्रेंचमैन फ्रांसिस गबार्ट। क्वेश्चन नंबर टू इज, विच पोजिशन इंडिया रीचेज हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स फ्रूट्स प्रोडक्शन लिस्ट लीविंग अदर्स बिहाइंड। सो इंडिया सेकेंड पोजिशन पे इस हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स फ्रूट प्रोडक्शन की लिस्ट में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रिनोवेट रूरल रोड्स एज पंचायत इलेक्शन अप्रोचिंग। सो वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उसको रूरल रोड्स एज पंचायत इलेक्शन अप्रोच किया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फॉर विच स्टेट यूनियन गवर्नमेंट फंड्स मस्ट बी यूज फॉर रिलीजियस फंक्शंस। सो महाराष्ट्र जो स्टेट है उसको यूनियन गवर्नमेंट ने फंड किया है रिलीजियस फंक्शंस के लिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच कंट्री रीचेज सेकेंड पोजिशन ऑन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स फ्रूट्स प्रोडक्शन लिस्ट लीविंग, ये भी इंडिया ही है अभी देखा करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु क्लिंचेस गोल्ड एट कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप्स। तो ऑप्शन आपके सामने, ए ऑप्शन है सुरेश कुमार, बी इज नीतीश कुमार, सी रमेश कृष्णन एंड डी सुशील कुमार। सुशील कुमार इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इज, हु वॉन चाइल्ड्स प्रेजिडेंशियल इलेक्शन। तो सेबेस्टियन पेनेरा ने ये जीता था इलेक्शन। और क्वेश्चन नंबर एट इज, हु इनॉग्रेट्स ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट CNG स्टेशन। तो जो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया था CNG स्टेशन। तो हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, हु वॉन सिल्वर एट दुबई वर्ल्ड बैडमिंटन सुपर सीरीज फाइनल्स। तो पीवी सिंधु ने जीता था। क्वेश्चन नंबर टेन, विच कंट्री इज डिक्लेयर्ड एज पोलियो फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो गैबोन है वो पोलियो फ्री कंट्री है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। क्वेश्चन नंबर 11 इज, फॉर विच मिशन यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स कॉन्टिन्यूएशन रिसेंटली। तो नेशनल आयुष मिशन है जो उस पर कैबिनेट ने अप्रूव किया है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 इज, विच नेटवर्क UIDAI टेम्परेरीली बार्स फ्रॉम कंडक्टिंग आधार लिंक्ड EKYC फॉर योर कस्टमर सर्टिफिकेशन। सो एयरटेल इसका राइट आंसर, ऑप्शन जी सर, बिल्कुल सही जवाब। बात है दूसरे पार्ट पे। बेसिकली इस सीरीज में इस साइट पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस, मतलब ऐसे एग्जैक्ट 50 क्वेश्चंस एक साथ नहीं दे रखे, तो काफ़ी क्विजेज अलग से इकट्ठी करके वीडियो बनाई जा रही है। तो आप इस पूरी वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चंस का आनंद उठा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया बैग्स इन एशियन एयरगन शूटिंग चैम्पियनशिप्स। सो 21 मेडल्स लिए थे इंडिया ने पूरे एशियन एयरगन शूटिंग चैम्पियनशिप में। क्वेश्चन नंबर टू इज, विद विच ईयर यूनियन गवर्नमेंट टारगेट्स टू लेइंग ओवर 40 किलोमीटर ऑफ रोड्स। सो 2000, ये आपके पास ऑप्शन है 2015, 2018, 2016 या फिर 2020। सो 2018 इसका राइट आंसर है जी, बिल्कुल, क्योंकि आने वाले साल में यूनियन गवर्नमेंट टारगेट कर रही है 40 किलोमीटर ऑफ रोड बिछाने के। सो क्वेश्चन नंबर थ्री, फॉर हाउ मेनी पीस कीपर्स UN पेड ट्रिब्यूट इन रिसेंट अटैक इन कॉन्गो। सो चारों ऑप्शन आपके सामने है, 14, 15, 20 एंड 28। सो आई थिंक 14 इसका राइट आंसर होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। विच स्टेट टॉप्स इन हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम्स अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। सो
ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हो गया। वैसे उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही जवाब। विच कंट्री बीट अर्जेंटीना टू विन गोल्ड इन हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल? सो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री टू होस्ट 2021 चैंपियंस ट्रॉफी 2023 वर्ल्ड कप? सो इसका राइट आंसर है आपका ये इंडिया, क्योंकि इंडिया ही होस्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ मेनी ग्राम्स डिड यूनियन गवर्नमेंट फिक्स इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड रेट रिसेंटली? सो इस आपके सामने चार ऑप्शन है स्क्रीन पे। ए इज 2890 ग्राम, बी इज रुपीज 3560 ग्राम, सी इज 3850 ग्राम एंड डी इज 4560 ग्राम। सो बी इज द राइट आंसर फॉर इट। नहीं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर इट, आई थिंक 2890। जी क्वेश्चन नंबर 8, हु गॉट मेडल विद हीना सिंधु एट एशियंस चैंपियनशिप्स? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका ये जीतू राय, आई गेस। हाँ ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंज बिकम्स यूकेज न्यू हाईएस्ट माउंटेन? सो लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ चिल हिल्स, माउंट होप, साउदर्न अपलैंड्स? माउंट होप होना चाहिए आंसर। जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द फर्स्ट NICERT रिसेंटली? सो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्ट्री, ये होना चाहिए मिनिस्ट्री। सो विल गो विद ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 11, हु कन्फर्स येरेरिंगन अवार्ड टू MS स्वामीनाथन? सो क्वेश्चन नंबर 11 और आपके सामने ऑप्शंस है श्री नरेश कुमार, श्री रमेश कुमार, श्री वेंकय्या नायडू, श्री सुरेश मेनन। सो इसका ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल, क्योंकि श्री वेंकय्या नायडू ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच कंट्री अनाउंसेस लिफ्टिंग ऑफ बैन ऑन मूवी थिएटर्स आफ्टर 35 ईयर्स? सो ये सऊदी अरबिया था जिसने ये किया है, क्योंकि यहाँ पे अब तक मूवीज बैन है। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज इलेक्टेड एज इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट? सो सोनिया गांधी है। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्चेस न्यू इनिशिएटिव्स ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे? श्री JP नड्डा जी। हाउ मेनी क्रोर्स डिड HDFC बैंक through sale of shares to fund growth? So option A is the right answer for it, 24,000 crores. Iska sahi answer hai. Question number 2, which country passes law to ban all oil and gas production by 2040? So isme options aapke samne hai, France, Australia, Paris, South Africa. So iska answer France hai, check kar lete hain. Haan ji bilkul sahi answer hai. और ये आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, आप देख सकते हैं। फ्रांस कंट्री पासेस लॉ टू बैन ऑल ऑयल एंड गैस प्रोडक्शंस बाय 2040। क्वेश्चन नंबर 3 इज हु इज क्राउंड एज मिस इंडिया USA 2017? सो जो श्री सैनी है वो मिस इंडिया USA 2017 क्राउंड की गई थी, और देख सकते हैं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर इट। और क्वेश्चन नंबर 4 इज हु इज क्राउंड, सेम क्वेश्चन आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 5, विच कंपनी साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU रिसेंटली? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड, लार्सन एंड टोब्रो एंड टेक महिंद्रा। सो मारुति सुजुकी ने किया था जहाँ तक मेरा अंदाजा है। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एग्रीमेंट विद अल्फाबेट X? सो आंध्र प्रदेश ने किया था, देख लेते हैं। जी बिल्कुल। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक जॉइंस हैंड विद सहज ई विलेज? उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं, एक
क्विट एज स्मॉल फाइनेंस बैंक, नहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाँ जी यही है, विच बैंक ज्वाइंड विद EIB टू को फाइनेंस $400 million क्लीन पार प्रोजेक्ट्स। सो यस बैंक ने किया था। विच बैंक ज्वाइंड विद EIB टू को फाइनेंस $400 million क्लीन पार। सो विच प्रोजेक्ट गॉट अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली? सो कालेश्वरन प्रोजेक्ट था जिसको अभी रिसेंटली वो मिला है। बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं दूसरे पार्ट पे। विच स्टेट टू इंट्रोड्यूस न्यू स्टेट सॉन्ग एट वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस? सो आंध्र प्रदेश ने किया है जी। विच सिटी इंडियाज फर्स्ट मैडम टसॉल्ट्स वैक्स म्यूजियम ओपन? सो इसका न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि न्यू दिल्ली ने ही किया था। इंडियाज फर्स्ट मैडम टसॉल्ट, हाँ जी न्यू दिल्ली में ही खोला। क्वेश्चन नंबर 3, विच डे इज ऑब्जर्व एज 4th December? सो इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4th December को जी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4, विद विच कंट्री USA लॉन्च लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज रिसेंटली? सो इसका राइट आंसर होना चाहिए साउथ कोरिया, क्योंकि साउथ कोरिया के साथ ही USA ने लॉन्च किया जी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच सिटी फर्स्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑन आयुष एंड वेलनेस सेक्टर बेगर? तो न्यू दिल्ली में होगा जी, बिल्कुल आपके सामने न्यू दिल्ली राइट आंसर होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 6, हु विंस ब्रॉन्ज एट इंडोर आर्करी वर्ल्ड कप? सो आपके सामने स्क्रीन पे चार ऑप्शन है, दीपिका कुमारी, डोला बैनर्जी, बोम्बायला देवी लेश्रम, लक्ष्मी रानी। तो दीपिका कुमारी है ये तो जी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। हु इज ओनली इंडियन ऑन फॉर्च्यून्स बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर टॉप 20 लिस्ट? टॉप 20 लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? सुरेश कुमार, नरेश यादव, अनिल अंबानी, आदित्य पुरी का राइट आंसर है जी। आदित्य पुरी है इंडियन की फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर की टॉप 20 लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट पास्ड इनकापू रिजर्वेशन बिल रिसेंटली? आपके सामने चार ऑप्शन है स्क्रीन पे, और ऑप्शन ए इज केरला, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी वेस्ट बंगाल। सो आंध्र प्रदेश को क्वेश्चन नंबर 9 इज विच सिटी श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड यूनिक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी रिसेंटली? सो चारों ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए इज अहमदाबाद एंड ऑप्शन बी इज योर चेन्नई, सी इज जयपुर एंड डी रायपुर। सो अहमदाबाद इज राइट आंसर होना चाहिए जी। क्वेश्चन नंबर 10th इज विच डे फाइनल ड्रॉ फॉर 2018 वर्ल्ड कप हेल्ड? सो मॉस्को, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अल्जीरिया, मॉस्को होना चाहिए जी। विच कंट्री द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज बिगिंस? नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, अल्बानिया, नेपाल में होना चाहिए जी। एंड आपके पास लास्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज हु कन्फर्स नेशनल अवार्ड्स फॉर दिव्यांगजन 2017? श्री रामनाथ कोविंद, श्री सुरेश प्रभु, श्री प्रकाश जावेदकर। सो रामनाथ कोविंद ने किया था जी। विच इंडियन क्रिकेटर सरपास ब्रेन लारा फॉर मोस्ट डबल सेंचुरीज एज कैप्टन? विराट कोहली, राहुल द्रविड़। विराट कोहली ने किया है, विराट कोहली आजकल बहुत चढ़ रहे हैं। एंड विच बैंक लॉन्चेज रुपे क्रेडिट्स क्रेडिट कार्ड्स रिसेंटली? सो कॉर्पोरेशन बैंक ने किया है तो जी। विच कंट्री प्रेजिडेंट इनोग्रेट फर्स्ट फेज ऑफ छाबर पोर्ट? ये है आपका ईरान जी। और इसी के साथ अपने ये हमारे 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में पूरे हो चुके हैं, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको काफ़ी सारी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। वीडियो का सेकंड पार्ट कल आने वाला है,
और अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल मिलता रहेगा अगर आप HSSC और किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको क्या और मटेरियल चाहिए और किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए ये हमें बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और बस इतना ही आज की इस वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।